हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बिल्डर फ्लोरी कवर करने आए हैं डीएलएफ फेज टू में, और ये बिल्डर नहीं है, ये डेवलपर है। डेवलपर और बिल्डर में फ़र्क ये रहता है कि ये आसपास आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर देते हैं ये। जैसे अगर हम बात करेंगे कि यूजुअली अगर हम हुड्डा के सेक्टर्स को देखेंगे तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है जो गुड़गांव का होता है, बट ये डेवलपर आपका आसपास की डेवलपमेंट का भी टेक केयर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्क की भी डेवलपमेंट, सीवेज की डेवलपमेंट, आपका प्रॉपर एफएआर का जो पूरा लीगलाइज टर्म पे बनता है, उन सब की ही दिस डेवलपर ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। एंड इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम है डीएलएफ। तो हम डीएलएफ का बिल्डर फ्लोर कवर करने आए हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बिल्डर फ्लोर, इवन दे आर लॉन्चिंग इन डीएलएफ फेज़ वन से लेकर फेज़ फाइव तक जो इन्होंने डेवलपमेंट कर दी है, तो अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करी जाए तो डीएलएफ फेज़ वन से फेज़ फाइव तक इन्होंने पूरा डेवलप कर दिया है। एंड दिस इज़ वेरी मच क्लोज बाय टू दिल्ली। दिल्ली वालों को ये एरिया आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही पता चल गया था। यहाँ पर इन्होंने प्लॉटिंग के डेवलपमेंट करा, इवन मैंने जो बिल्डर फ्लोर्स कवर करे वो भी इन्हीं की प्लॉटिंग थी जो इन्होंने डेवलप कर दिया था। तो यू कैन सी firstly, this developer आपका मैसिव स्केल पे दे हैव डेवलप गुड़गांव। गुड़गांव को बहुत सुंदर दिखाया है इन्होंने, सुंदर तरीके से, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्लस सर्विसेज, मेंटेनेंस, सब कुछ इनका इन हाउस रहता है। तो दैट इज़ वाई इफ़ आप अगर बिल्डर फ्लोर कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार आप डीएलएफ का ये प्रोडक्ट भी देख सकते हैं जो बिल्डर फ्लोर में ही है। इसमें आपको बेसमेंट भी मिलता है जो मैं आपको कवर करूँगा। टेरेस पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर है, सबको कॉमन राइट मिल जाता है। जैसे हमारे को बिल्डर फ्लोर में यूजुअली फोर्थ फ्लोर को ही आपको टेरेस राइट मिलता है, इसमें आपको सारे फ्लोर्स वालों को टेरेस राइट मिल जाता है। प्लस डीएलएफ की मेंटेनेंस है, नाम है, लेगेसी है। तो लेट्स कवर दिस बिल्डर फ्लोर आपके लिए। ये 318 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है और ये इसकी एंट्रेंस है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस, डोर्स हैं, ऑटोमेशन, आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। इवन अगर हम इस डेवलपर के बारे में बात करें तो ये आपकी डेवलपमेंट, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये दे मेंटेन। पार्क आप देख सकते हैं मेंटेन करना शुरू कर दिया है। एमसीजी नहीं मेंटेन करेगा, डीएलएफ खुद अपने हाथ में ये रखता है और खुद मेंटेन करता है आसपास जो भी इंफ्रा रहता है, चाहे पार्क हो, चाहे सड़क हो, सारी चीज़ें ये अपना खुद ही मेंटेन करता है। दिस विल बी योर पार्किंग एरिया, हर एक को डेडिकेटेड पार्किंग है। दो दो गाड़ियों की 318 गज में दो दो गाड़ियों की पार्किंग हर एक मेंबर को मिलती है, हर एक को फ्लोर वाइज आपको पार्किंग यहाँ पे मिलती है। तो अब मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। तो दिस विल बी द एंट्रेंस, तो आपकी सिक्योरिटी यहीं से शुरू हो जाती है। तो दिस विल बी योर एंट्रेंस। ओटिस की लिफ्ट लगाई हुई है एंड दिस इज ऑल्सो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। If you are talking about the security system, even doors पे भी आपके biometrics है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी Otis की लिफ्ट है, you can see 6 passenger है। And then beautification के लिए इन्होंने आपके यहाँ पे थोड़ा आर्ट वर्क भी करा हुआ है। Then आपकी entrance होती है स्टेयर केस से, आप स्टेयर केस से आते हैं। And स्टेयर केस में भी इन्होंने मेंटेनेंस फ्री ग्रिल दी हुई है, तो आपको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा यू डोंट हैव टू थिंक कि 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद आपको मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी। प्लस डीएलएफ इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रॉपर्टी और एनी डीएलएफ प्रोडक्ट, जो भी डीएलएफ का यूज़ भी कर चुके हैं तो दे माइट बी हैप्पी विद द सर्विसेज व्हाट डीएलएफ हैज गिवन, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइस, दिस विल बी योर ग्रैंड एंट्रेंस। आप अपने डोर देख सकते हैं, दिस इज़ वाइड इनफ, टॉल भी काफ़ी है अगर हम देखें तो। आराम से आपकी अगर हाइट देखेंगे तो ये 8.5 फीट की आपके डोर की हाइट है और चौड़ाई भी अच्छी खासी है। कस्टम मेड है, बायोमेट्रिक्स के साथ है, डोर सेट का सेट लगा हुआ है फिंगरप्रिंट के साथ। एंड आप देख सकते हैं आपका फ्लोर वर्क पे भी आपका अच्छा वर्क हुआ है। एंट्रेंस पे एक ग्रैंड फीलिंग आ रही है, दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एंटर करते ही सबसे पहले चीज़ गाइज, मैं ये बताता हूँ कि इसमें रूफ़ आपकी शेयरिंग है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रूफ़ शेयर सबको मिलेगा। लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट और मेंटेन करेंगे डीएलएफ, तो गार्डन बनेगा, टेरेस गार्डन जो टेरेस पे बनेगा, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डीएलएफ मेंटेन करता है। और डीएलएफ का मेंटेनेंस आई हैव सीन ओवर द टाइम पीरियड, मैंने डीएलएफ के सारे प्रोडक्ट देखे हैं और अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो ये जो हमारे बिल्डर फ्लोर्स हैं और ये डेवलपर के बिल्डर फ्लोर्स में यही फ़र्क है कि मेंटेनेंस आपकी पूरी ढंग से रहेगी। तो एंटर करते ही आपका गेस्ट रूम आ जाता है राइट पे और 3 बेडरूम्स आपके स्ट्रेट पे आ जाते हैं। कॉर्नर का प्लॉट है तो आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली,
तो तीन साइड से ओपन रहेगा, हर एक रूम के साथ वेंटिलेशन है, हर एक रूम के साथ आपकी बालकनी है, अगर बालकनी नहीं है अगर एक रूम में तो विंडो आपके साथ प्रोविजन है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आपके रनिंग बालकनी फ्रंट पे है, बैक पे भी आपकी बालकनी है, तो दिस इज़ अ बोनस। तो आप एंटर करते ही आपकी पहली बेडरूम आ जाता है राइट पे, जो गेस्ट रूम में, और थ्री बेडरूम जिसको प्रीवीसी मिलेगी वो आपके सामने आ जाते हैं। लेफ्ट पे ही आपका किचन आ जाता है और डाइनिंग एरिया आ जाता है, यूटिलिटी बाथरूम, आपका जो यूटिलिटी बाथरूम कह लो या आपका पाउडर रूम कह लो, वो आपका लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले बेडरूम से, पहले गेस्ट रूम से ही शुरू करते हैं। गेस्ट रूम का बेडरूम, आप वुडन फ्लोरिंग आपको सारे बेडरूम के साथ मिलेगी, तो दिस विल बी योर गेस्ट बेडरूम। अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो 14x10 का है इस बेडरूम का साइज़, एक्सक्लूडिंग दिस एरिया। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये आपकी रनिंग वार्डरोब आ जाती है। तो गाइज, दिस विल बी योर बाथरूम जो आपके गेस्ट रूम के साथ है, जो आपका पहला बेडरूम मैंने कवर करा है। ड्यूरासेट के आपके साथ फिटिंग्स है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बाथरूम फिटिंग। प्लस अगर हम देखेंगे तो आपको वार्डरोब वगैरह का प्रोविजन मिलेगा। प्लस अगर आपके स्विचेस भी देखेंगे तो पैनासोनिक के हैं, वी लगे हुए हैं आपके यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स पे, प्लस इटालियन फ्लोर्स वर्क हुआ हुआ है अगर हम पूरा इस पे देखेंगे तो। डाइनिंग आपका स्पेस आपका एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे आ जाता है और राइट पे आपका लिविंग एरिया आ जाता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो हम आपका अब दूसरा बेडरूम कवर करते हैं, जो सारे बेडरूम्स कवर करते हैं एक एक कर। दिस विल बी योर सेकेंड बेडरूम जिसमें आपकी बालकनी नहीं है पर विंडो दी हुई है, प्रोविजन पूरा है लाइक एयर की वेंटिलेशन के लिए। अगर आप विंडो का भी देखेंगे तो पूरा एल शेप में बनकर आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्लस आप वार्डरोब का एरिया देख सकते हैं, इसी के साथ आपका अटैच बाथरूम है। गाइस, मूवेबल नहीं मिलेगा इसके साथ, तो मूवेबल आप इसी के तरीके से डिज़ाइन करा सकते हैं, बड़े ही बेहतरीन एंड बहुत ही वंडरफुल ब्यूटिफिकेशन करा है DLF ने। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इट इज़ लुकिंग एलिगेंट, ज़्यादा चमक धमक नहीं है लेकिन एक दम दिख रहा है, मेंटेनेंस फ्री लग रहा है कि अगर आप इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, जो कि आप दूसरे बिल्डर फ्लोर्स में हम चमक ज़्यादा देखते हैं तो वो चमक के वजह से ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये भी कम नहीं है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। आपको इसमें आपको पहली चीज़ एक एलिगेंस दिखती है, एक नीट वर्क दिखता है, एक क्लास दिखती है इसमें, तो दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्लस आपको इसमें आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि अगर हम बिल्डर फ्लोर्स की बात करते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि ये बिल्डर फ्लोर है, बिकॉज आपको कॉन्डो लिविंग का फील भी आएगा इसमें। DLF आपको ये चीज़ का आपका ध्यान रखती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अपार्टमेंट बनाए हैं और बहुत सारा वर्क करा है, तो काम कर कर पता चलता है कि वॉट दे हैव टू डेवलप। प्लस दिस विल बी योर थर्ड बेडरूम, अब ये तीसरा बेडरूम है, आप ये देख सकते हैं एंड स्पेस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है। जो मैंने सेकंड बेडरूम कवर करा था उसकी स्पेस थोड़ी कम थी, इसकी आपकी स्पेस अच्छी है। ये भी आपका लगभग आपका 14x11 का बेडरूम ये भी है अगर इसकी बात करें जाए तो। आपका पूरा इसका एरिया अगर हम रनिंग वार्डरोब का एरिया को एक्सक्लूड कर दें तो, प्लस आपका बाथरूम इसी के साथ अटैच है। वार्डरोब का एरिया ये रहा आपका, दिस विल बी योर वार्डरोब प्लेस एंड देन योर बाथरूम, ये आपका बाथरूम रहने वाला है। इसमें आपके नीच बने हुए हैं, दिस इज दीज आर द नीच, आप देख सकते हैं। अब मैंने तीसरा बेडरूम कवर कर दिया तो अब आपको फोर्थ बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है वो उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। इसके साथ आपकी रनिंग बालकनी है जो फ्रंट की होती है, तो दिस विल बी द बोनस ऑल्सो। तो दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम, आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग स्पेस है, आपकी वार्डरोब यहीं पे बनी हुई है एंट्रेंस पे, एंड अच्छी खासी स्पेस है वार्डरोब की, ही एंड शी की स्पेस अगर हम बात करें तो। स्मार्ट स्विचेस लगे हुए हैं, प्लस आपको एक प्राइवेट बालकनी मिलती है जो कि बिकॉज कॉर्नर का प्लॉट है तो कॉर्नर के प्लॉट की वजह से आपको बालकनी मिलती है, वेंटिलेशन की कमी नहीं है, यू गेटिंग विंडोज़ भी, प्लस आपकी रनिंग बालकनी है जो मैं एंड में कवर करूँगा दोनों बालकनी। तो दिस विल बी द स्पेस, प्लस आपका बाथरूम की स्पेस देखिए, इसमें भी आपका बाथरूम में आपका पूरा इटालियन वर्क करा गया है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस, पूरा इटालियन का वर्क हुआ हुआ है एंड इसी हिसाब से आप भी अपना वर्क करा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। पूरा आपका
मास्टर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट किंग साइज बेड लगने के बाद भी अच्छी खासी स्पेस निकल कर आ रही है इस मास्टर बेडरूम में। आप आ जाइए, अब मैं आपको लिविंग एरिया दिखाता हूँ, लिविंग एरिया के बाद किचन का एरिया दिखाता हूँ, लिविंग एंड डाइनिंग। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको तीनों बेडरूम में आपको प्राइवेसी मिल रही है। अगर आप सर्वेंट से अलग रहना चाहते हैं, मतलब अगर आपका कोई गेस्ट भी आता है तो आपको प्राइवेसी मिल जाती है। तो दिस विल बी योर लिविंग एरिया, यहाँ पे आपका लिविंग एरिया बन जाता है। एंड इसी के साथ आपकी रनिंग बालकनी आ जाइए, आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आप बालकनी देख सकते हैं कितनी ह्यूज है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बालकनी, इट्स रियली ह्यूज। आप अगर मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ, जो मैंने पहला बेडरूम कवर करा था गेस्ट बेडरूम, उसके साथ भी बालकनी ये अटैच है, रनिंग बालकनी। लिविंग एरिया के साथ आपकी बालकनी अटैच है। एंड देन आपका जो मैंने पहला जो आपका थर्ड नंबर का बेडरूम मैंने कवर करा था, उसके साथ आपकी ये बालकनी अटैच है। प्लस आपका जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के साथ भी आपकी ये बालकनी अटैच है। दो उसके साथ आपकी एक प्रीवीसी भी मिल जाती है एक बालकनी में, बिकॉज कॉर्नर प्लॉट है, तो उसमें भी आपको बालकनी दी है। प्लस आपको यूटिलिटी स्पॉट आपको किचन के साथ ही मिल जाएगा। प्लस ब्यूटिफिकेशन के लिए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिवेशन, ये मेंटेनेंस फ्री है अगर हम इसका देखेंगे। प्लस जो स्लाइडर्स लगे हुए हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ये एल्यूमिनियम के स्लाइडर, ये साउंड प्रूफ है एंड हैवी ड्यूटी हैं। तो दिस इज़ द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, मेंटेनेंस फ्री है क्योंकि सारी चीज़ें हैवी ड्यूटी ही लगी गई है। प्लस अगर हम सीलिंग की भी हाइट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अमेजिंग हाइट है, एलिगेंस दिखता ही है इस प्रोडक्ट में। और मूवेबल नहीं मिल रहा है, इस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन लगता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द मूवेबल्स ऑल्सो, कि हाउ DLF इज डिज़ाइनिंग दिस एंड हाउ दे वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोडक्ट। लिविंग एरिया अलग से, डाइनिंग स्पेस अलग से, आप आराम से बैठकर डाइनिंग स्पेस पे खाना खाइए अपने परिवार के साथ। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको डाइनिंग स्पेस काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। दिस इज़ आप 6-seater डाइनिंग स्पेस, आप 8-seater भी आराम से आ जाएगा इस पे अगर आपकी बड़ा परिवार है तो। आपका पाउडर रूम आ जाता है इसमें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पाउडर रूम, आपका एक पाउडर रूम आ जाता है। पाउडर रूम के सामने ही आपकी किचन है। अगर हम किचन की भी साइज़ की बात करी जाए तो ये 8x10.5 की है, तो अच्छा स्पेस है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सीमेंट्स के आपके लगे हुए हैं इसमें, फिटिंग करी हुई है सीमेंट्स के, आपके ओवन एंड माइक्रोवेव लगा हुआ है, सीमेंट्स का ही आपका फ्रिज लगा हुआ है, बॉश के आपके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हॉफ एंड चिमनी बॉश के हैं। एंड दिस इज़ द स्पेस ऑफ योर किचन, आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका कस्टमाइज करा हुआ हैवी ड्यूटी। एंड देन दिस इज़ योर यूटिलिटी बालकनी, यहाँ पे आपका VRV का बाहर लगा हुआ है AC का, प्लस आपका वेट जोन बना हुआ है जहाँ पे आप अपने बर्तन धो सकते हैं, आपका वॉशिंग मशीन एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, आपका वेट जोन बन जाएगा, दिस विल बी योर वेट जोन। एंड द स्पेस इज़ ह्यूज, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटी बालकनी, द स्पेस इज़ ह्यूज। तो ये पूरा आपका पूरा फ्लोर मैंने आपको दिखाया, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइए कि अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा बताइए, जो आपको लगता है जेन्युइनली वो बताइए कमेंट बॉक्स पे। तो गाइस ये आपका पाउडर रूम आ जाता है। प्लस मैं आपको एक बैक की बालकनी दिखा देता हूँ जो आपकी बैक साइड की है, दिस विल बी योर रनिंग बालकनी, मतलब दिस विल बी योर बालकनी विच इज़ कॉर्नर का प्लॉट है, तो आपको पीछे का पूरा व्यू मिलेगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द व्यू, कोई आपका बिल्डिंग नहीं है इसके सामने, तो दिस विल बी योर बालकनी विच इज़ अटैच विद योर डाइनिंग स्पेस। रनिंग बालकनी नहीं है ये आपकी लिविंग एरिया के साथ अटैच है, डाइनिंग स्पेस के साथ अटैच है, किचन के साथ अटैच है। एक यूटिलिटी बालकनी हो गई, फिर आपकी रनिंग बालकनी जो मैंने आपकी दिखाई दी वो फ्रंट की हो गई। तो प्रोडक्ट आपको मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ जो बेसमेंट में इन्होंने आपका सर्वेंट रूम बनाया है। तो गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रॉपर्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो गाइज दिस इज़ योर बेसमेंट, यहाँ पे आपको आपका सर्वेंट रूम मिलते हैं 4, सभी फ्लोर्स को ये प्रोविजन मिलेगी 1, 2, 3, 4। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि स्टिल प्लस 3 तक की आज की डेट में परमिशन है, लेकिन DLF के कुछ जो फ्लोर्स हैं ऑलरेडी आपके प्रूव रेरा अप्रूव्ड हैं। यूजुअली बिल्डर फ्लोर्स में आपको रेरा नहीं लेना पड़ता, पर इन्होंने सारे लीगलाइज टर्म्स, जो लीगल टर्म्स हैं मैं आपको पेपर वर्क दिखाऊंगा इनके, अगर आप जब जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप कंसीडर करते हैं बिल्डर फ्लोर्स को
इनके भी अगर बिल्डर फ्लोर आप कंसिडर करते हैं अदर देन किसी और के, तो यू कैन लुक फॉर दिस बिल्डर फ्लोर जो रेरा अप्रूव्ड है, पूरा पूरा लीगलाइज FAR के साथ बना है, बेसमेंट में आपको सभी को कॉमन स्पेस मिल रही है, तो दिस दीज विल बी द स्पेसेस, आप आकर देख सकते हैं। तो ये आपका एक रूम का एक डेमोन्स्ट्रेट दे रहा हूँ, दिस विल बी द स्पेस, आप ये स्पेस देख सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस है। एंड आपको वेट जोन मिल जाता है जिस आपका बाथरूम बना सकते हैं आप अगर बनाना चाहते हैं तो, आपके ऊपर है आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपको एक और रूम भी दिखाता हूँ, मतलब दिस इज़ हाउ द बेसमेंट विल लुक लाइक। 318 गज का बेसमेंट है ये, जो कि प्रॉपर FAR के साथ बना है, प्रॉपर लीगलाइज टर्म के साथ बना है, तो दिस विल बी द स्पेस, आप ये भी देख सकते हैं। ये आप अपन अपने सर्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सर्वेंट को एक नीचे प्रोविजन दे सकते हैं। प्लस आपको अलग से ऑफिस स्पेस भी मिलती है, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, DLF मेंटेन करके देगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है जैसे मैंने अपने वीडियो पे बताया। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर। प्लस ऑल्सो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।